हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह गूगल क्रोम में पॉपअप डिस्प्ले को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जब हम कोई भी सर्चिंग कर रहे होते हैं तो हमारे सामने बिला वजह कुछ एड्स या पॉपअप विंडोज़ ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए हम आज सीखेंगे कि हम किस तरह गूगल क्रोम में पॉपअप एड्स या डिस्प्ले को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम को ओपन करें और राइट साइड पर आपको तीन डॉट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करके इसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ से आपने सेटिंग को ओपन करना है और लेफ्ट साइड पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर आपने इसे ओपन करने के बाद साइट सेटिंग में जाना है। साइट सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पर आपके सामने पॉपअप एंड रीडायरेक्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। एक होगा साइट कैन बी सेंड पॉपअप्स एंड यूज रीडायरेक्ट्स, और नीचे होगा डोंट अलाउ साइट टू सेंड। आपने यहाँ से इसको डोंट अलाउ कर देना है। इस तरह आपके पॉपअप डिस्प्ले या पॉपअप विंडोज़ आपकी डिसेबल हो जाएंगी, तो कोई भी आपके सामने पॉपअप डिस्प्ले शो नहीं होगा। यहाँ पर आप स्पेसिफिक कुछ भी अपने मर्जी से कुछ भी साइट ऐड कर सकते हैं जिसका आप डिस्प्ले पॉपअप डिस्प्ले को डिसेबल करना चाहते हैं। तो इस तरह आप अपने गूगल क्रोम में पॉपअप डिस्प्ले को डिसेबल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपको मेरी वीडियो देखने का। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।